दिस इज द चैप्टर अभाव विज्ञानिया। अभाव विज्ञानिया ये चैप्टर हमें क्यों, कब और कहाँ पढ़ना होता है? ये चैप्टर हमें पढ़ना होता है पदार्थ विज्ञान के अंदर, आयुर्वेदा में फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। अभाव विज्ञानी एक टॉपिक है। तो अभाव विज्ञानी कहाँ पे आता है? एक्चुअली जब हम लोग दर्शनास के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट फिलोसफीज के हिसाब से पदार्थ जनरली आयुर्वेदा के हिसाब से 6 माना गया है, जो कि है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये एक ऑर्डर है जो कि वैशेषिका दर्शन के हिसाब से है। इसमें 6 टाइप के पदार्थों को माना गया है, जो कि द्रव्य हो वो एक पदार्थ है, जिसका गुण होता है वो एक पदार्थ है। सिंपली उसी चीज़ को आचार्य चरका, जो कि आयुर्वेदा के हिसाब से उन्हीं के चीज़ों को जनरली माना जाता है, तो उनके हिसाब से जो ये ऑर्डर है वो इस प्रकार है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड देन समवाय। तो ये 6 थे। उसमें जो अभाव है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो हमारे सब पदार्थी हैं वो उन्होंने अभाव को एक्सेप्ट किया एज ए 7 पदार्थ। तो उसके बाद से ही हम लोग अभाव विज्ञानियों को पढ़ते हैं एज ए 7 पदार्थ। हालांकि इसको हम लोग आयुर्वेदा में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो अभाव क्या है? सो अभाव इज द फीलिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ समथिंग। इफ यू फील द एब्सेंस ऑफ समथिंग, दिस इज द, यू कैन से दैट दिस इज द अभाव। सो अभाव को हम लोग सात्विक पदार्थ के रूप में आयुर्वेदा में स्वीकार नहीं करते हैं। इसको चरका ने एज अ अभाव न मानते हुए इसको असत माना, यानी कि असत यानी जो प्रेजेंट नहीं है। आचार्य चरका ने दो पार्ट में बांटा, जो कि है सत और असत। जैसे कि सत को हम लोग भाव पदार्थ भी कहते हैं और असत को हम लोग अभाव पदार्थ भी कहते हैं, लेकिन वो अभावा को असत के रूप में मानते हैं। सो अभाव विज्ञानी क्या है, हम लोग इसको टॉपिक को डील करते हैं। सो अभाव इज द एब्सेंस इन विज्ञानी इज द नॉलेज। सो नॉलेज ऑफ एब्सेंस ऑफ समथिंग इज अभाव विज्ञानी। सो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दिस इज द कंटेंट व्हाट आई विल हैव टू डिस्क्राइब इन दिस पीपीटी। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट अभाव विज्ञानी, देन लक्षण ऑफ अभाव विज्ञानी, डेफिनेशन, सिनोनिम्स एंड टाइप्स लाइक क्लासिफिकेशंस एंड अभाव इन आयुर्वेदा। सो अभाव क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं। अभाव इज अ नॉन एग्जिस्टेंस। इफ समथिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग, दैट इज अभाव। तो ये अभाव का एक इंट्रोडक्शन हुआ। आयुर्वेदा डिड नॉट एक्सेप्ट अभाव एज 7 पदार्थ। मैंने जैसा बोला कि सब पदार्थी ने इसको माना, जैसे कि कर्णादा महर्षि हो गए, वो भी जो कि वैशेषिका दर्शना के प्रवर्तक महर्षि थे, कर्णादा महर्षि, उन्होंने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना। कर्णादा महर्षि ने भी नहीं माना। वैशेषिका सूत्र ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है, वो सब हमें डील करेंगे। लेकिन सब पदार्थी ने ऐसे अभाव को 7 पदार्थ माना, लेकिन आयुर्वेदा में इसको नहीं माना गया। क्यों भी नहीं माना गया? क्योंकि चरका ने भी अभाव को ऐसे 7 पदार्थ नहीं माना है। समाचार्य जो थे, जो अपने बारे में ऐसे आयुर्वेदा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वो ऐसे इसको अभाव को माने हैं, वो इस प्रकार है। चरकाचार्य ने अभाव को असत के रूप में माना है, यानी कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है। वैशेषिका सूत्र ने इसको प्रमेय के रूप में माना है, प्रमेय के रूप में माना। और भट्ट मीमांसा, वेदांत दर्शन, पौराणिक, तांत्रिक कर्ता, ये लोगों ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना है। प्रशस्त पदा, तर्क संग्रह, सप्त पदार्थी, एक्सप्लेन अबाउट अभाव, ये लोगों ने अभाव को एक्सप्लेन किया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अभाव इज कंसिडर्ड एज पदार्थ। इन लोगों की वजह से अभाव को पदार्थ के रूप में माना गया है। और कुछ आचार्यों के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से, इनकी चरका के हिसाब से, वैशेषिका के हिसाब से और भट्ट मीमांसा के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से अभाव इज अ फॉर्म ऑफ असत। वैशेषिका के हिसाब से अभाव इज अ फॉर्म ऑफ प्रमेय। और इन लोगों की वजह से अभाव इज अ फॉर्म ऑफ प्रमाण। लक्षण क्या है अभाव के? किसी ऑब्जेक्ट को किसी विशेष स्थान में उपस्थित ना होने को अभाव कहना चाहिए, न कि कंप्लीट एब्सेंस को। लाइक एक घड़ा है और वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है एक जगह पे। अब क्या होता है कि बारिश का मौसम आता है और वो घड़ा जो होता है वो पिघल जाता है या फिर वो टूट जाता है और मिट्टी में बदल जाता है। और कोई वहाँ बहुत दिन के बाद आता है और वो जानता है कि वो घड़ा वहाँ पे रखा हुआ था, वो देखता है वहाँ घड़ा नहीं है, तो उसको एब्सेंस फील होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, घर में एक घड़ी लगा हुआ है, वॉच है, उसको हमेशा एक ही जगह पे रखा हुआ है। अब उस वॉच को रिप्लेस करके कहीं और लगा दिया जाए तो उस प्लेस में हमें उस घड़ी का अभाव होगा। ऑन दैट प्लेस वी फील द एब्सेंस ऑफ दैट वॉच। बट इफ इन द कंप्लीट एब्सेंस, व्हाट इज द सेंस ऑफ कंप्लीट एब्सेंस? लाइक नथिंग इज प्रेजेंट देयर बिफोर द थिंग। लाइक इफ वॉच इज नॉट प्रेजेंट देयर ओनली बिफोर, देन हाउ कैन वी फील द एब्सेंस ऑफ वॉच देयर, दैट द थिंग। इफ ऑन एनी पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट इफ इट इज देयर एंड नाउ इट्स नॉट देयर, देन वी फील द एब्सेंस ऑफ दैट थिंग। बट नाउ इन कंप्लीट एब्सेंस मीन्स दैट द वॉच इज ऑलरेडी इन एनी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एनी टाइम, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट प्लेस, सो वी कैनॉट फील द अभाव। एंड द नॉलेज ऑफ अभाव इज अटेंड आफ्टर नॉलेज ऑफ भाव पदार्थ। हाउ वी कैन से दैट आफ्टर नॉलेज ऑफ भाव पदार्थ मीन्स If we know about bhava padartha, yani which is existing, which is present, if we know about watch on the wall, then we can say that the absence of watch on the wall, that means we should have to understand about what we want, that thing. If we want that watch on that place, on the wall, then we can feel the absence of watch, that this watch is not present on that wall. So this is the knowledge of abhava is attained after knowledge of bhava padartha. Definition. We have some slokas regarding this abhava padartha, abhava vijnaniya, that is ashat abhava rupam, which does not have its dominancy, jiski satta nahi hoti hai. Like
देर इज समथिंग ड्रॉन ऑन द वॉल, लाइक अ बॉय ड्रॉन अ एनी ड्राइंग ऑन द लाइक मेक अ ड्रॉ अ हाउस डायग्राम लाइक हाउस ड्राइंग ऑन द वॉल एंड आफ्टर सम टाइम द वॉल इज पेंटेड देन यू कैन फील दैट ड्रॉइंग ऑफ हाउस ऑन दैट प्लेस बट देर इज नो लाइक देर इज नॉट अ डोमिनेंसी ऑफ दैट ड्रॉइंग हाउ इफ यू थिंक दैट एनी वन मेक लाइक अ हाउस हेयर बट आफ्टर दैट आई कैन पुट अ पेंट ऑन दैट then we are unable to see that that drawing so that is dominated by the paint so the drawing is not having dominancy now so we can say that which do not have a dominancy gato bhavo abhavam non existence is known as abhavam like now we can say that now that drawing which is present on the wall now after painting we can say that the drawing on the which is present on that wall is not existing more because there is a paint on that wall so we cannot see and there is no existence of that painting so na bhavo abhavam which does not have any presence is abhava bhava bhinnatvam va pratyogi gyanam adhina gyana vishyatvam abhavatvam like bhava se bhinna ko abhavatvam kehte hain yani ki which is abhava hota hai present and different than bhava yani ki which is not present different than bhava is not present so bhava se bhinna ko abhavam kehte hain ya virodhi ke gyan ko adhin jo vishay hai use bhava kehte hain yani what I tell that If we know the feeling of bhava, if we know what is present there, then we can know the feeling of abhava. If we know that what is present there, then we can know that what is not present there now. So, if we know the opposite thing of bhava, if we know the opposite thing of this is the opposite thing of bhava. Like bhava se bhinna ko abhavam kehte hain. The different thing from bhava. Yani ki what is present, and we know that this is not present. So that is abhava. Synonyms: anupasthiti, like absence. लोप यानी कि विच हैव सम कवरिंग लाइक इफ़ यू कैन कवर समथिंग हाउ वट आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रॉइंग इफ़ यू हैव लोपा ऑफ पेंट देन वी आर अनेबल टू सी द ड्रॉइंग सो दिस इज द लोपा कवरिंग नाउ इट्स दैट ड्रॉइंग इज नॉट हैविंग द डोमिनेंसी सो वी आर अनेबल टू सी दैट असत्ता इज नॉट नॉन डोमिनेंट सिंपल थिंग असत्ता इट इज नॉट विजिबल सो इट डजंट हैव इट डोमिनेंसी नाउ द पेंट हैज इट डोमिनेंसी एंड वी आर अनेबल टू सी दैट ड्रॉइंग इंस्टेड ऑफ दैट वी आर एबल टू सी दैट पेंट बिकॉज दैट पेंट इज नाउ हैविंग डोमिनेंसी avidmanata that is inferiority now if we see that example that now the drawing made by that child on that wall is now inferior and the paint is now superior so this is avidmanata is also the synonyms of abhava so classification if we come on classification that is a shloka abhavastu dvidha that means abhavastu is abhava is of two type abhavastu dvidha samsarga that is which two types are samsarga and anyona these are two types samsarga and anyona abhava bhedatah This is the bhedata, yani ki bheda, yani ki classification of abhava that is divided into two. That is samsarga and abhava, anunya abhava. That bhedata praga bhavastatha. That samsarga is divided into praga bhava, pradhvamsa abhava, and dhvamsa api atyanta. Api yani bhi, yani ki atyanta bhi, uska ek classification hai. Abhava yamcha. So abhava is classified into samsarga and anyona. Abhava is like non-existence. We already know that samsarga is correlational non-existence. Like if we go on the basis of samsarga, then we can feel that there is a concept of timing, present, past and future, of absence in relation to present, past and future. And anunya bhava is mutual non-existence, which is non-relatable at all. So we are going on topic one by one on this whole topic. So what is samsarga bhava? If we deal that samsarga bhava is here, samsarga bhava, anunya bhava. Now we are going to deal with this samsarga bhava. What is samsarga bhava? In relation with one object, if another object is absent. Then it is called samsarga bhava in relation with one object there is one relation there is one understanding so in relation with one object if another object is absent then it is called samsarga bhava existence of particular object not found in a particular time this is also important that it is also regarding to the time so if we see the example absence of water in tap so if the tap is there and the water is not there there is a relation between tap and water if tap is there that means the water will have to come from the water that the purpose of putting the tap there But if water is not coming from that is the example of samsarga bhava because there is a relation between the tap and the water and the absence of sweat in a patient suffering from the sweating patient suffering from the fever in fever what we generally diagnose that there is if the patient is suffering from fever that is generally that means that he or she might have the sweat problem from sweating like due to the high temperature in body we generally suffer from the sweating so this is a correlation between like if fever is there sweating is common if tap is there water is common so there is correlation praga bhava where does it come praga bhava let's see samsarga bhava
then we come from Raghava. Correlation, non-existence. There is a there must be a relation between the object and at that water and tap. I give example. Now we are going to deal with the Pragabhava. What is this is a classification of Samsargabhava. Now we are going to deal with the Pragabhava. Pragabhava, prior non-existence. What is the means of prior? Prior means the thing which is not present in earlier. Like Utpatti Purva Kayasya Yu Abhavasa Pragabhava. Utpatti and origin. Before the origin, existence of Abhava of Dravya, before its creation, before its origin. The feeling of Abhava before its creation, like if we give an example of a married couple who do not have a child. So there is a feeling of absence of a child, like before its origin, before its creation, before the child came, there is a feeling of Abhava of the child between this couple. This is prior non-existence. Anadi Santa Pragbhava, it has no beginning but has an end. We can say that we cannot say that from this time, now from that time, its Abhava is existing, because it is not existed at all. So from if it is existed, then we can say that from now it is not there, so we can feeling Abhava. But it is already not existence, so we don't know from which time, from when that couple is feeling the Abhava of their child. We cannot recognize that. So there is no beginning of that feeling of Abhava, but particularly that have an end. Where is that end? When that couple is going to have a baby, then the abhava of not having a baby is going to be fulfilled. So the abhava of feeling of not having a baby is fulfilled. So it has an end. But where they start thinking like that, we do not have child, if a couple is thinking like that. So there is no beginning. Maybe from after one day of marriage, maybe after 2 days of marriage. So there is no beginning. But definitely, when a child will appear in their life, then the feeling of abhava will be going to be not existing at all. So if we give an example of Pragabhava, Vastu ke utpatti ke purva ke abhava ko Pragabhava kate hain, before the existence of that any object. Agar potter ne pot nahi banaya, tab tak uska abhava feel hoga. Like there is a work of potter that he make a pot, but he is not making a pot at all. So jab tak wo pot nahi banayega, tab tak usko wo abhava feel hoga ki pot nahi hai wahan pe. Jab banane ke baad uska abhava khatam. Absence of a person on earth before his birth. Same I give the example of couple and the child. Pradhvamsabhava, subsequent non-existence. That means, utpatya antar kayasya yo bhava pradhvamsa. Vastu ke nasht hone par us vastu ka jo bhava hota, usse pradhvamsabhava kata. Like we can see that, before the existence of object is pragabhava. Now the object is existing, that is bhava. From now onward, what is going to be happen, that is not like, after that, baby is come, and now from now onward, maybe that baby is going to be die. So, उत्पत्ति अंतर कायस्य यो अभाव प्रथमसो वस्तु के नष्ट होने पर लाइक इफ दैट बेबी विल बिकम इफ विल बेबी विल डाई देन द अभाव ऑफ दैट बेबी इज नाउ गोइंग टू बी फील्ड सो उस वस्तु का जो अभाव होता है उसे प्रथम स्वभाव कहते हैं इट हैज बिगिनिंग बट हैज नो एंड लाइक दैट कपल हैव बेबी नाउ द कपल हैव बेबी दैट इज भावा दैट इज प्रेजेंस नाउ आफ्टर 10 ईयर द बेबी इज गोइंग टू बी डाई बिकॉज ऑफ सम रीजन सो नाउ व्हाट हैपन दैट कपल विल फील द अभाव ऑफ हिज चाइल्ड फ्रॉम दैट टाइम दैट बेबी कम ऑन अर्थ And it has beginning, like that they will tell that our baby is from date of birth is this. So there is the beginning, but it has no end. What is going to be happen here? That baby is going to be die. From the death of that baby, the feeling of absence is going to be start. And we cannot recognize that up to what time the couple is going to feel his absence of his baby. We cannot recognize at all. So it has a beginning. After the death of that child, it has a beginning. But after the death, we cannot recognize that after what time the feeling of not having his child is going to be fulfilled. We cannot recognize it. So it is not having an end. And if anyone giving example that another baby will come, then after that his feeling of abhava of baby is going to be fulfilled. But it's not going to be happen because that feeling of absence of that child is not going to be fulfilled. As we see the udaharan examples, absence of person on earth after his death, same as the couple and baby. Feeling of absence of pot after destruction, like if the pot is destructed. Now from the destruction of that pot, if anyone is having love and affection to that pot, so from now onward, he is going to have a period of time up to, we cannot recognize up to what period of time he is going to having the absence of that pot, that feeling of absence of that pot. We cannot recognize that. Atyanta Bhava, eternal non-existent, like Traikalik means that not in present, past and future. Traikalik samsarga va chinna pratiyogita ko abhavo atyanta abhavah. The absolute absence of an object in any given time. Absolute absence of an object in any given time, present, past and future is called as atyanta abhava. What we will see that samsarga abhava is of
एब्सेंस ऑफ इन प्रेजेंट, लाइक एब्सेंस इन बिफोर द एग्जिस्टेंस, प्रध्वंस अभाव आफ्टर डिस्ट्रक्शन, बट हियर वी कैन सी दैट देर इज एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एन अत्यंत अभाव. उदाहरण द एब्सेंस ऑफ रूपा इन आकाशा, इन पंचमहाभूता वी कैन सी दैट रूपा इज एग्जिस्टिंग इन अग्नि महाभूता, इन फायर वी कैन सी द रूपा. सो हाउ कैन वी फील द प्रेजेंस ऑफ रूपा इन आकाश, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट इट इज गोइंग टू बी हैपन इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, बिकॉज इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि आकाश में रूपा का भाव नहीं, कब नहीं, न कभी था न कभी होगा. सिंपली इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज द रूपा एग्जिस्ट इन अग्नि नॉट इन आकाश. आकाश इज अ डिफरेंट महाभूत. देहिनम न ही निर्दोष ज्वर समुपसेवेते, शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं होता है, नहीं हुआ न कभी होगा. इफ अ पर्सन इज हेल्दी एट ऑल द पर्सन इज गोइंग नॉट गोइंग टू बी सफर फ्रॉम द फीवर. इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी फीवर देन मे बी ही विल हैविंग स्वेटिंग एंड ऑल, बट इफ द पर्सन इज मानसिक और मेंटेलिटी एंड मेंटली एंड फिजिकली फिट देन द फीवर इज नॉट गोइंग टू बी हैपन. वाई इट विल गोइंग टू हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर? Because the antibody is not reacting at all because he did not have any disorders, any complication, like any complication. So the jwara will not going to be happen. And it will not going to be happen present, past and future in if the person is healthy at all. Atah aise vyakti mein jwara ka atyant abhav hota, absence of life in non-living thing. If the object is non-living, the living property of living being will not going to become in that non-living thing at all, not in present, past or future. We cannot give the insert atma in that. It is not possible. Anyun abhava, where it come, I will show that. We explain about pragabhava, pradhamsa abhava, atyantabhava. Now it is time to explain about anyun abhava. So what is anyun abhava? Anyun abhava is mutual non existence. Tadatmayam sambandha avichinna pratiyogita ko anyun abhava. Lack of resemblance between two objects. Like there is no resemblance. What we can say that there is a resemblance. Akasha, Rupa, Agni, there is some resemblance that it is comes under Pancha Mahabhutas. But here we cannot resemble the thing at all, like has neither origin nor end. If there is not resemblance between two objects, how it have origin and how it have end? Udaharan, absence of character of male man in female, like female is different thing, man is different thing. So the character does not going to be inserted into man, character is not going to be present in female character is not going to be present in the male in general. And if you say that, oh, there is a hermaphrodite, human beings are also there, they have the character of that. So we can recognize it as a different entity, like they are hermaphrodite. But how can you say that, oh, now I am man, now I will become, I want to become a female and now I am female. It's not going to be happen at all. So absence of character of man in female, it's not going to be happen at all in general. Abhava of ghata in pata. We can see that. अभावा वी कैन फील द अभावा ऑफ, यानी कि घटा और पटा वी कैनॉट कोरिलेट, दिस इज द म्यूचुअली डिफरेंट थिंग, वी कैनॉट कोरिलेट इट. इन पटा इन क्लॉथ वी कैन फील द एब्सेंस ऑफ घटा, अभाव ऑफ घटा, बिकॉज घटा इज नॉट अ पटा, लाइक द पॉट इज नॉट अ क्लॉथ, सो वी कैन फील द एब्सेंस ऑफ दैट घटा इन द पॉट क्लॉथ. सो अभावा इन आयुर्वेदा, इन आयुर्वेदा अभावा इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ द्रव्य, एज अ सेवन पदार्थ. आचार्य चरका मेंशन इट एज असत इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परीक्षा, लाइक then we going to be examine the patient. Abhava of roga is arogya, abhava of roga, like absence of roga is arogya. If a person is healthy, there must be absence of roga, disease, so arogya. Instead of moksha, abhava of all kind of dukkha filled by atma. Instead of moksha, before moksha everything will going to be filled by atma, but if the moksha is there, so after that no one is going to feel the body is going to, like now the person going to have a moksha, then on that time the atma is out from the body and it going to be meet with the paramatma, going in, like it's a part of paramatma. So the body is different entity, atma is different entity, so the feeling of abhava moksha is not felt by atma. Fasting, that means abhava food is caused for many vyadhis. Fasting is not here fasting like starvation is the abhava of food, right? If a person is starving from 5 or 10 days, there must be a feeling of abhava of food, and because of that many problem, many vyadhis will come. So the vyadhi is a part of chikitsa, so we can put it into abhava in Ayurveda. Thank you.